नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत प्रांत ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर किए गए कामों के बारे में जानकारी दी। परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे का कहना है कि 2024 में विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष पूरे होंगे। किस तरीके से सारी गतिविधियों की दिशा रहेगी, इसकी रूटीन बैठक हुई है। देश भर के प्रमुख कार्यकर्ता बहुत दिनों से कोरोना की वजह से एकत्र नहीं हो पा रहे थे, लेकिन बैठक में एकत्रित हुए। कोरोना के दौरान भी देश भर में विश्व हिंदू परिषद ने कई सेवा कार्य किए। हमने 2,74,00,000 से अधिक भोजन के पैकेट वितरित किए। 4,00,000 से ज़्यादा गौवंश के चारा पानी की व्यवस्था की। 40,00,000 से ज़्यादा परिवारों में सूखे अनाज का भी वितरण किया। बिहार के अनेक जिलों में बाढ़ को लेकर भी अनेक व्यवस्थाएं की गईं। हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। चाहे सस्ता हो या महंगा, चीनी सामान नहीं लेना है। इसके लिए हम बड़ा अभियान चला रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या विवाद है इसमें? मुझे पता नहीं, मैंने भी कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है, मगर आम जो संत समाज है उसका आशीर्वाद विश्व हिंदू परिषद को भी है, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र न्यास को भी है, और मैं निश्चित मानता हूं माननीय चंपत राय जी को भी है, क्योंकि संतों ने यह देखा है कि कितनी प्रामाणिकता से सभी ने काम किया है, कितना बलिदान अनेक लोगों ने किया है। इसलिए यही मेरा मत है इसमें। नहीं, संत समाज के बीच में तो कोई टकराव होने का विषय ही नहीं है। कुछ लोगों के यदि आए होंगे स्टेटमेंट, तो उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनके हृदय में क्या है, मन में क्या है, बात करके देखेंगे। यह बहकाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हो। श्री राम जन्मी का जो हुआ, इसमें भी मैं बता दूं तो आपके प्रेस नोट में भी उसका उल्लेख है कि गोंड समाज जो पूर्व मध्य भारत में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उनका सबसे श्रेष्ठ जो तीर्थ क्षेत्र है वो कचारगढ़ है, गोंदिया जिले में आता है, मध्य प्रदेश और इसके बॉर्डर के ऊपर। तो वहां की पवित्र मिट्टी और तीर्थ, वहां की पवित्र मिट्टी और तीर्थ श्री राम जन्मी के मंदिर के लिए भेजा गया। बहुत बड़े प्रमाण में उरांव समाज, संथाल समाज और मुंडा समाज, ये झारखंड में रहता है, तो उनके सरना स्थलों की मिट्टी और पवित्र जल ये श्री राम जन्मी के इसके लिए भेजा गया। वैसे ही मध्य प्रदेश में अपने बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी श्री टाटिया भील जी की भी समाधि यहाँ के, वहां की भूमि के भी जल अपना तीर्थ और ये भेजा गया मिट्टी। तो एक प्रयास तो चल रहा है सब जगह पर कि ऐसा करो कि आप हिंदू नहीं है, मगर राम जी के जीवन को भी हम देखेंगे तो उस समय से समरसता का और एक संपर्क और मित्रता का संदेश दिया गया है। तो मुझे लगता है प्रयास चल रहे हिंदू विरोधी शक्तियों के कि हिंदू एकत्र न आए, हिंदू अपनी परिचय न दे, मगर उसका परिणाम नहीं होगा। प्रयास जरूर चल रहे जो आप कह रहे हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.